अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेड नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्लेक्सान यमआर टेबलेट के बारे में। फ्लेक्सान यमआर, जो कि मैंने पहले बताया फ्लेक्सान टेबलेट के बारे में, ये है फ्लेक्सान टेबलेट, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया। आज हम जानेंगे फ्लेक्सान यमआर टेबलेट के बारे में, इसका डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कंपोजिशन, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम बात इसमें करेंगे, इसे कौन सी फार्मा बनाती है, कौन सी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने वाली कंपनी का नाम अरिस्टो फार्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि बहुत बेहतर कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो अरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, बात करें इसके कंपोजिशन की, इसके जो कंटेन है, फार्मूले हैं, वो है आइबुफेन, पैरासीटामॉल एंड क्लोराजोक्सान। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि आइबुफेन है 400 mg, ये पैरासीटामॉल है 325 mg एंड क्लोराजोक्सान है जो कि 250 mg है, 250 mg है। ये तीन कंटेंट से मिलकर ये बना है, तीन फार्मूला इसमें मिला है, जो कि काम में आता है, जैसे कि दर्द हो। अब कौन से दर्द में आता है हम ये भी जान लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, दाँत दर्द, दाँत में दर्द या दाँत में सूजन हो, उसमें काम करता है। मांसपेशियों में दर्द, मासिक धर्म में दर्द, बुखार हो, सर दर्द, चोटों का दर्द और पीठ का दर्द, ऐसे मतलब जो भी दर्द है सब में राहत ये देता है। सर दर्द में भी काम करता है, पेट दर्द छोड़ के बाकी सब में दर्द में काम आता है, बहुत बेहतरीन काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका जो मैंने बताया, ये किस में काम आता है। इसके पैक की हम बात कर लें और मार्केट प्राइस की, तो इसका जो पैक है वो है 10 टेबलेट का, जो कि MRP है 24 रुपये में, 24 रुपये में 10 टेबलेट आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ इस तरह के पैक में आता है, 10 टेबलेट आपको मिल जाएगा देखने के लिए, कुछ इस तरह के पैक में आता है। बात करें हम इसके डोज की, तो एक अडल्ट व्यक्ति से दिन में 1 से 2 टाइम ले सकता है, खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी से ले सकता है, इजली इसे नॉर्मल पानी से ले सकता है। बात करें इसके कॉमन साइड इफेक्ट की, तो इसका कॉमन साइड इफेक्ट है मतली, उल्टी, दस्त, ये हो सकते हैं साइड इफेक्ट, मतली, उल्टी या दस्त हो सकता है, उल्टी हो सकती है, वही मतली उल्टी मैंने बोल दिया, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और बात करें हमें इसे किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, तो जो महिला प्रेग्नेंट है या फिर जो हम अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें, और अगर आप किडनी या लिवर के मरीज हैं तो सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श ले लें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और अगर ड्राइविंग आप करते हैं तो ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ड्राइविंग ना करें तो ठीक रहेगा, उल्टी हो गया तो दिक्कत हो सकती है, दस्त चालू हो गया तो फिर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, दिक्कत हो सकती है फ्रेंड्स। और इसे खाने के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, यानी शराब ना पिए, नशीली चीज़ ना खाएं, इसे खाने के बाद शराब वराब ना पिए फ्रेंड्स। तो ये था, इसे नहीं खाना चाहिए इन लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो, मैं चाहता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना, किसी दवा के बारे में जानना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना तो आप लिख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।